आइए भल्ला सर, देखिए पूरा काम खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके ऑफिस रेनोवेशन का बिल 1 लाख रुपए का बनता है। मैं सोच रहा था पेमेंट हो जाता तो मेरा काम हो जाता आगे का। पैसे तो मैं दे ही दूंगा, मैं कहां भागा जा रहा हूँ, पर पहले मुझे पूरे ऑफिस का इंस्पेक्शन तो कर लेने दे। यह पेंट ठीक नहीं हुआ, 10,000 कम। यहाँ पपड़ी जमी है और 10,000 कम। इस हिसाब से 1.5 लाख होता है, 1 लाख तुम्हारा बनता है, वो निकाल दो और 50,000 मुझे दे दो। लाओ। ओके, ये लो। ये क्या, मैं क्यों पैसे दूं? अरे काम मैंने किया है तो पैसे तुम दो। लाओ मेरे 50,000। मेरे काम के 1 लाख दीजिए अभी। अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, एक तो काम खराब कर दिया, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। गंगा अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके पैसे दिलवा देंगे। भला तूने मेरे पैसे नहीं देखकर अच्छा नहीं किया, गंगा से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जा जा। देखा तुमने मेरे कंजूस पति को? पल्ला जी तो कंजूसों के उस्ताद है भाई, इतना सारा काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। हाय हाय, सच में कंजूसी की तो हद है। ओए किसी को बताना मत, तू जाओ जाओ यहाँ से। बाय बाय। अगर उसकी जान प्यारी है तो पूरे 5 लाख रुपए देकर उसे छुड़ा लो, वरना। क्या पल्ला साहब को किडनैप कर लिया? ओ नहीं जी। 5 लाख? 5 लाख क्या, मैंने तो 5,000 भी इकट्ठे नहीं देखे। ओहो, किन कंगालों से पाला पड़ गया मेरा। अच्छा सुनो, अगर पैसे नहीं तुम्हारे पास तो जेवर तो हो गयी ना, जो भी गहने वो जल्दी लेकर आ जाओ, वरना भल्ला कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, समझे? नहीं 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 नहीं, पल्ला साहब को कुछ मत करना, मैं गहने लेकर आ जाऊंगी, ठीक है जी? इस कंजूस भल्ला से तो मैं अपनी एक एक पाई ब्याज सहित वसूल करके रहूंगा। सुनो किडनैपर भाई, पैसे की इतनी बर्बादी। अरे संभल कर खर्च करो, संभल कर, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। तुम अपने आदमियों को इतना मटन चिकन खिलाओगे तो सब खा खा कर आलसी बन जाएंगे, आलसी। और सोचो जरा, एक दिन के चिकन का कितना खर्चा आया, एक दिन का 1 किलो चिकन मतलब 480 रुपए। उसमें प्याज टमाटर धनिया मिर्च नमक का पैसा अलग, एक दिन का इतना तो 1 साल का कितना, और सोचो 10 साल का कितना हुआ। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे 10 साल में तो करोड़ों रुपए बच जाएंगे। ऐ खाना वापस करो, जल्दी वापस करो, करो। ऐ तुम्हारी प्लेट दो। अरे अरे देखा कितना फायदा करके दिया, चलो अब मुझे छोड़ दो। अरे चुप, छोड़ूंगा तो तुझे जेवर देने के बाद ही। जल्दी से गहने लाओ। इन लोगों के शूज पर पेंट कैसे लग गया? कहीं उस गंगा पेंटर के आदमी तो नहीं? ए, अच्छे से एक एक गहना चेक करना, इन चिंदियों मक्खी चूसों का कोई भरोसा नहीं है। परमिंदर, तुझे गहने देने की क्या जरूरत थी, पैसे कोई पेड़ पे उगते है क्या? ओ ना जी पल्ला साहब, ऐसे ना कहो, मेरे लिए तो आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, गहने नहीं। है? बॉस, ये गहने तो नकली है।
बॉस ये वाला भी नकली है। इसने अब उनको उल्लू बनाया है। इन गहनों पर सोने की नकली पॉलिश चढ़ी हुई है। अब क्या करे बॉस? क्या इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा? नकली गहने सोने के बता के तुझे मुझे गिफ्ट करते रहे? ओ परमिंदर, मेलोड्रामा बंद कर। आज के जमाने में असली गहने पहनना खतरे से खाली नहीं है। कानून के हाथ और बंदूक निकली लात से कोई न बच सके है। वो सारे आपकी लात खाकर भल्ला सर को ही अपने साथ लेकर भाग गए। अब भाग गए? अब भैंस की पूंछ बंदूकनी के इलाके से भागकर कितनी दूर जाएंगे? मुझे उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। चलो चलकर खोजी अंकल की मदद लेते हैं। खोजी अंकल, मैंने किडनैपर्स के फुटप्रिंट्स की कुछ फोटोज क्लिक की है। आप ऑफिस के फुटप्रिंट से मैच करके देखिए, अगर कहीं मैच हो तो। लेट मी चेक। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये किडनैपर्स और कोई नहीं, गंगा सिंह कॉन्ट्रैक्टर ही है। उन लोगों ने रेनोवेशन का काम किया और भल्ला जी ने उनको पेमेंट नहीं की। उसी बात का बदला और अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए उन लोगों ने भल्ला सर को ही किडनैप कर लिया। चाचू, आपको उन लोगों का गोडाउन पता है क्या? हाँ पतीजे, शहर के बाहर उनका बहुत बड़ा गोडाउन है जहाँ पर वो अपना सारा सामान रखते हैं। चलिए, उन्होंने अपने गोडाउन में ही भल्ला सर को रखा होगा। हेलो बंदूकनी जी, जल्दी शहर के बाहर वाले गोडाउन पर मिलिए। अरे बॉस! अपनी जगह से नहीं हिलेगा। गंगा पेंटर, मास्क निकालो, तुम्हारा राज खुल चुका है। भैंस की पूंछ, मेरा मेकअप खराब कर दिया। पकड़ो ने। मैडम जी की स्टाइल है। खबरदार, किसी ने चैन को हाथ लगाया तो ये मेरा शिकार है। आज तक इन्होंने मुझे असली गहने बता के नकली गहने बनाए हैं। आज तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। जिंदगी भर मुझे नकली गहने पहनाए हैं। इतनी बड़ी कंजूसी कर दी। हो गई गलती। कितने जा रहे हो? आओ इधर। पप्पी पप्पी छोड़ दो। खबरदार। ओए 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 ओए, मुझे तो छोड़ दो। ओ ओ भतीजे, क्या कर रहा है? ये अचानक बादल इतने पास कैसे आ गए हैं? और तेरा चेहरा बदल कैसे गया है? ओए, ये तो गिर गए। भतीजे, सीट नीचे कर। मेरा मेकअप।
दुश्मनों को करता है बेहाल। सॉरी मम्मी, अब तो बख्श दे। चल आज तुझे असली गहने दिलवाऊंगा। अरे कहाँ भाग रही है, चल इब जेल में पेंट करियो। बंदूक जी, अगर भल्ला साहब हमारे पूरे पैसे दे देते तो ये नौबत ही नहीं आती। उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, इसीलिए हमने तो गुस्से में उन्हें किडनैप किया। क्यों भले है? सॉरी गंगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। Oink, oink.